हाँ जी क्लास, सो वेलकम यू ऑल। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर FLM। इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज F इज इक्वल टू ma, वेयर ओके F इज इक्वल टू ma, वेयर F इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, m इज मास ऑफ द बॉडी एंड a इज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। वी कैन ऑल्सो राइट दिस फॉर्मूला लाइक दिस, v माइनस u बाय t, where v is final velocity, u is initial velocity and t is time, okay? So let's discuss a numerical related to this formula. So beta, the first question is, in first question it says that a ball of mass 100 gram, a ball of mass 100 gram. So beta, remember one thing, whenever you are solving a numerical now, first of all you have to write given terms. What we have to do, we have to write given terms. So what is given? Mass of the ball is 100 gram. So mass of the ball is 100 gram. Okay. Then is moving with a velocity of 10 meter per second. So initially the ball is moving with a velocity. So its initial velocity is 10 meter per second. Okay. And now is stopped by a boy in 0.25 seconds. So it is stopped, so its final velocity is 0 meter per second. And how much time it takes? 0.25 second it takes. Okay, so these are the given terms to us and we have to find out, calculate the force applied by the boy on the board. We have to find out the force. Force we have to find out. Okay, now whenever you write given terms, after that you just conclude that but actually we need to find out. So this we need to find out. Okay. Now check all the terms which we are writing, either they are in same SI units or CGS unit. Means check your system of unit. ये कैसे given है? ठीक है ना? So this is meter per second, this is meter per second, this is second, पर ये क्या है? Gram में है. उसको किसमें convert करना पड़ेगा? Kilogram में. So it is 100 by 1000, it means 1 by 10 or 0.1, it is 0.1 kg. ठीक है जी, we convert this gram into kilogram. अच्छा, now we have to think, क्या सोचना है हमें कि which formula we can use so that we can find out the value of force by the use of these terms. तो formula क्या है? देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर F is equal to mv minus u by t. ठीक है, तो इसको यूज कर लेते हैं, F is equal to m v minus u by t. ठीक है जी, इसको यूज करेंगे तो F हमें निकालना है, मास हो गया हमारा 1 by 10 लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे. देखिए फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी है 10 और टाइम हो गया आपका 0.25. ठीक है जी, हमने वैल्यूज पुट कर दी सारी, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं. तो देखिए ये हो गया आपका 1 by 10 और ये है आपका -10 डिवाइड बाय 25 इनटू 100. ठीक है जी, तो ये 25 फोर्स 100, 10 से 10 कैंसिल हो गया और आंसर कितना आया आपके पास? -4 न्यूटन. ठीक है ना, माइनस साइन क्या बता रहा है यहाँ पे? दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट कि वी रिड्यूस्ड द वेलोसिटी, हमने वेलोसिटी को क्या किया है? रिड्यूस किया है. ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं. एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, देखो. ठीक है, हो जाएगा ये, पहले गिवन टर्म्स लिखी, फिर ये देखा क्या निकालना है, फिर ये सोचा कि फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं, फॉर वैल्यूज पुट करी है और सॉल्व किया है. ठीक है, यूनिट्स देख लेना, एक सब ऐसा यूनिट्स होने चाहिए. ऐसा यूनिट में क्या होता है? मास केजी में मेजर होता है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में और टाइम सेकंड में, और फोर्स न्यूटन में मेजर होगा. ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, अगर आप इसे लिखना चाहो तो -4 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी ठीक है, ये भी ऐसा यूनिट की है. ठीक है, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं. चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप. नेक्स्ट क्वेश्चन एक ग्राफ वाला करा देता हूँ आपको. देखो ये ग्राफ गिवन है हमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ. दिस इज आवर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, ये देन एंड देन लाइक दिस. ठीक है, दिस इज द ग्राफ गिवन टू अस. दिस इज 3 सेकेंड, दिस इज 6 सेकेंड एंड दिस इज 10 सेकेंड. ये वेरिएशन हमें दिए हैं
ये वेलोसिटी है आपकी 120 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ऑब्वियसली ये वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है। ये हमें गिवन है और हमें क्या निकालना है, हाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और ऑब्जेक्ट का मास कितना दे रखा है आपको, मास दे रखा है 50 ग्राम। तो पहले तो इसको कन्वर्ट ही कर ले, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। सो इट्स 50/1000, तो ये कितना बन गया, 1/20 kg, ठीक है जी। ये हमारे पास मास आ गया। अब आपको ये निकालना है फोर्स ड्यूरिंग 0 to 3 सेकेंड। ये पहला ऑप्शन है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि फोर्स निकालिए 0 to 3 सेकेंड में। तो 0 सेकेंड में ग्राफ से दिख रहा है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 120 मीटर पर सेकेंड, मास कितना है 1/20 kg, टाइम कितना बोला इसने 3 सेकेंड बोला, कितना बोला भाई 3 सेकेंड बोला, ठीक है ना। तो फोर्स निकाल लो mv-u/t, ठीक है ना। तो m हो गया आपका 1/20, v हो गया 120 - 0, और t हो गया आपका 3 सेकेंड, ठीक है जी। तो ये कितना बन जाएगा 3 × 4 = 12, तो 40, तो ये हो गया 1/20 × 40, तो ये हो गया आपका 20 न्यूटन, ठीक है ना। क्या आ गया, ये 20 न्यूटन आ गया। इसी तरह से एक और पार्ट भी दे रखा है, उसमें पूछा है वेलोसिटी फोर्स निकालो, फोर्स फ्रॉम 6 to 10 सेकेंड, ठीक है ना, 6 to 10 सेकेंड बोल रहा है, ठीक है। तो 6 to 10 सेकेंड में देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, 120 मीटर पर सेकेंड, 6 सेकेंड पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 120 है, ठीक है ना। फाइनल वेलोसिटी वो 0 हो गई है, क्योंकि 10 सेकेंड पर आते आते वो रुक गया है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है। और टाइम कितना लगा आपके पास, 4 सेकेंड लगा है। मास कितना है 1/20 kg, ऑब्जेक्ट तो वही है ना, ऑब्जेक्ट में तो कोई चेंज नहीं है। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, mv-u/t, यानी 1/20 0 - 120/4 सेकेंड, ठीक है ना। मास की जगह 120 हो गया, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 120 है, और टाइम कितना लग रहा है इसको, 4 सेकेंड लग रहा है, ठीक है ना। तो अभी कितना हो जाएगा बेटा, 1/20 × -30, ठीक है जी। तो ये कितना बना आपका 6/4 - 6/4 न्यूटन, ठीक है ना। 5 × 6 = 30, 5 × 4 = 20। आप चाहो तो फर्दर सॉल्व कर सकते हो, 4 × 1 = 2 और 1.5 - 1.5 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक छोटा सा पार्ट और भी है, थर्ड पार्ट, वो ये कह रहा है कि फोर्स निकालो, फोर्स फ्रॉम 3 to 6 सेकेंड। अब थ्री टू सिक्स सेकेंड निकालोगे बेटा, तो वेलोसिटी में तो कोई चेंज आया ही नहीं ना। देखो रेगुलरली द बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 120 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब फाइनल वेलोसिटी भी सेम है, देखो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ mv-u/t, तो फाइनल भी 120 है, इनिशियल भी 120 है, 120 - 120 कितना हो जाएगा 0, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 न्यूटन, ठीक है ना। तो इस तरह से आप फोर्स को भी काउंट कर सकते हो। तो ये था आपका न्यूमेरिकल, एक बहुत और करा देता हूँ, एक मिनट और लगेगी। देखो जैसे तो सिंपल हो जाएगा, चलो ये करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ आपको, ठीक है। कर दो इसको इरेज, यहाँ पर बढ़ रही थी इसलिए पॉजिटिव आया, यहाँ पर कम हो रही थी इसलिए नेगेटिव आया, यहाँ पर कांस्टेंट थी इसलिए 0 आया, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एक ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है आपको 100 kg, ठीक है ना। मास कितना दे रखा है 100 kg। उसके बाद ये कहता है इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से फाइनल वेलोसिटी हो जाती है इसकी 8 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम में 6 सेकेंड में, ये आपको गिवन है। उसका आपको इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम निकालना है,
क्या निकालना है, इनिशियल मोमेंटम, यानी मैं इसको शॉर्टकट में अगर लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं पी आई, यहां लिख देता हूं पी आई इनिशियल मोमेंटम, और क्या निकालना है फाइनल मोमेंटम, ये दो चीजें निकालनी है। और क्या पूछ रहा है, फोर्स भी निकालो। तो आपको याद होगा अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही ये फॉर्मूला लिखा था, F is equal to mv minus u by t। और अगर आपको सेकंड लॉ की स्टेटमेंट याद हो तो वहां पर भी बोला गया था फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। तो इजी है, कोई खास बात नहीं है। मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, जनरली मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब इनिशियल मोमेंटम बोल रहा है तो मास तो उतना ही रहेगा, वेलोसिटी कौन सी हो जाएगी इनिशियल, और फाइनल मोमेंटम बोल रहा है तो मास तो उतना ही रहेगा, वेलोसिटी कौन सी हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो देखो पी आई अगर निकालता हूँ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एम इंटू यू, और पी एफ अगर निकालता हूँ तो यहाँ लिख देता हूँ एम इंटू वी, इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 5, ये हो गया आपका 500 केजी मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया बेटा आपका 100 इंटू 8, तो 800 केजी मीटर पर सेकेंड। और रही बात फोर्स की, तो फोर्स को आप ऐसे देखो, इस फॉर्मूले को ऐसे लिखा जा सकता है, एम को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया आपका फाइनल मोमेंटम, और ये क्या बन गया आपका इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम। वही डेफिनेशन आ गई ना, चेंज इन मोमेंटम, चेंज क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है जी, इज इक्वल टू फोर्स। तो फाइनल मोमेंटम कितना है 800, इनिशियल कितना है 500, तो 800 माइनस 500 बाय टाइम कितना है जी 6 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 300 बाय 6, इट्स 50 न्यूटन। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे।